ये वकील आपका कार्यक्रम जारी रहेगा। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। मैं आदित्यनाथ योगी, जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर वन। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर वन। बढ़ा रोजगार तो बढ़ी इनकम, निवेश हुआ यूपी में भारी भरकम। यूपी जैसा कहीं भी विकास हुआ ना, यूपी अब नहीं है किसी से कम। आ गया है अब राम राज्य यहाँ, मोदी जी का है मार्गदर्शन। डबल इंजन की सरकार में है दम, देश में लहराया यूपी का परचम। यूपी नंबर वन, जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर वन। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर वन। शौचालय, बिजली, गैस कनेक्शन, जरूरतमंद को घर मिला, मिली पेंशन। सरकारी नौकरी, गन्ना भुगतान, स्मार्ट सिटीज में पहला पायदान। मोदी जी का मिलता है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम। सेकंड लार्ज इकोनॉमी, डबल इनकम, जब से योगी जी बने सीएम। यूपी नंबर वन, जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर वन। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर वन। अपना यूपी है नंबर वन। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास पेशकश वकील आपका में। और वकील आपका में ब्रेक से पहले एक दर्शक इकबाल जुड़े हुए थे, जो जिनका सवाल अपने शेर को लेकर था। तो वकील साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जैसे वो शेर के मालिकाना हक को लेकर जो उन्होंने सवाल पूछा था, मैं चाहूँगा कि उसका जवाब दें। देखिए, मैंने जैसा पूर्व में बताया, यदि उन्होंने कोई कंप्लेंट की और उस कंप्लेंट से उनको ग्रीवांस है, यानी उससे वो संतुष्ट नहीं है, उनके कथनानुसार जो उनके शेयर थे उस शेयर वैल्यू के कुछ परसेंटेज को उन्हें प्रोवाइड किया गया, वो भी बैक डेट में जो रेट था उस रेट के अकॉर्डिंग। और ग्रीवांस में उनको जो शेयर के एक्चुअल रेट मिलने चाहिए वो नहीं मिले। तो ऐसी स्थिति में जो कंप्लेंट की है, जो वहाँ पर ग्रीवांस कमेटी या जो इस तरह के मैटर्स का निस्तारण और निर्धारण करती हैं, उनके समक्ष में जो एक्सचेंज की ग्रीवांस कमेटी वहाँ पर कंप्लेंट करने पर वो संतुष्ट नहीं है, तो वहाँ पर उनको उस कार्रवाई के साथ ये भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि आप इसको आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में भेज दीजिए, हम आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में इस समय जो सेबी के रूल्स हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, और जो भी अमाउंट है वो शेयर धारक को मिलना चाहिए, ये सेबी के गाइडलाइंस हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी कंपनी किसी भी शेयर की वैल्यू को कम करके किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकती है। सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यदि उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला है तो उनको आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में जाना चाहिए। आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में भी यदि उनको आगे संतुष्टि नहीं मिलती है, यानी आर्बिट्रेटर का जो अवार्ड आएगा उस अवार्ड से संतुष्ट ना हो, तो उनको कोर्ट में जाने का भी राइट है। जो 34 में प्रोविजंस हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के समक्ष वो अपनी आपत्ति को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में लीगल प्रोसेस को कंप्लीट ना करने के कारण उनको संतुष्टि नहीं मिल रही। अगर वो लीगल करस्पॉन्डेंस को पूरा करें तो उनको निश्चित रूप से शेयर की पूरी वैल्यू प्राप्त होगी। तो उम्मीद है कि इकबाल जो कानपुर से जुड़े थे उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ब्रेक से पहले हमने बात करी थी वसीयत को लेकर, गवाह की अहमियत को लेकर, गवाह कितने ज़रूरी होते हैं, गवाह अगर मुकर जाता है तो उन तमाम चीज़ों के बारे में आपने जाना। अब संपत्ति को लेकर भी हम वकील साहब से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संपत्ति विवाद एक बहुत बड़ा मसला है।
वकील साहब, एक मेगा दर्शक देहरादून से जुड़ गई हमारे साथ इस बीच। मेगा जी, आपका सवाल क्या है, जल्दी से पूछें। हाँ जी, हमने 5 साल पहले एक मकान लिया था, उसमें किराएदार ने कब्जा कर रखा है और ये बात हमें मकान मालिक ने पहले नहीं बताई थी। वो किराएदार पानी और लाइट का बिल देता है लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी का कोई कागज नहीं है। लाइट और पानी का बिल बस उसके नाम पर है। देखिए, आपने किसी प्रॉपर्टी को 5 ईयर बिफोर यानी आज से 5 साल पहले ये परचेज किया है तो आपके लीगल राइट को इस्टेब्लिश हुए 5 ईयर्स हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में आप अगर इस भावना के साथ में कि किसी टेनेंट ने वहाँ पर कब्जा कर रखा है और आपने अभी तक उनके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं की हैं फॉर द इजेक्टमेंट, तो ये आपने अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया है। यदि आप ऐसे किसी भी टेनेंट को, चाहे वो लीगल टेनेंट हो, चाहे इलीगल ट्रेसपासर हो, चाहे इलीगल पोजीशन होल्डर हो, उसको आपको इजेक्टमेंट करने के वैधानिक अधिकार हैं, लीगल राइट हैं। अब अगर वो वहाँ पर बिजली के मीटर को लगा के उसका जो भी बिल आता है उसको अदा कर रहा है, या वो जल संस्थान के या नगर निगम के किसी भी टैक्स को पे कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों चीज़ों का करने से उसका वहाँ पर कोई भी वैधानिक अधिकार की पुष्टि नहीं होती, यानी लीगल राइट उसका एस्टेब्लिश नहीं होता है। आपके और उनके बीच में मकान मालिक और किराएदार के संबंध हैं, मकान मालिक और किराएदार के संबंध किराएदारी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यदि वो किराएदारी की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपको ऐसे कब्जे धारक के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई करने का अधिकार है। आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में उनको लीगल नोटिस दीजिए सेक्शन 106 में, और उस नोटिस के साथ में उनसे उनके प्रमाइसेस को जिसमें उन्होंने कब्जा कर रखा है उससे बेदखल करने और आपके जो बेनिफिट्स हैं, जो आपको रेंट मिलना चाहिए, जो आपको अदर टैक्सेस मिलने चाहिए, उन सबको देने की आप बात करिए। यदि उसके बाद भी, उस नोटिस के बाद भी उनकी तरफ से कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करते हुए आपको रिक्त स्थिति में कब्जा हस्तांतरित नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप उनके खिलाफ बेदखली का मुकदमा भी कर सकती हैं और मुकदमा करने के साथ बेदखली भी करा सकती हैं। और साथ ही साथ एक आपकी जानकारी के लिए और भी बात बताना चाहता हूं, यदि आप चाहें तो उनसे पूर्व के किराए की बात के साथ साथ आज वर्तमान दर पे किराए की मांग भी कर सकती हैं, जिसमें आपका जो डीएम द्वारा निर्धारित सर्किल रेट किराएदारी का है उस निर्धारित किराएदारी के सर्किल रेट के अकॉर्डिंग जो एरिया उनके पोजीशन में है उसको कैलकुलेट करते हुए आप टोटल रेंट की डिमांड कर सकती हैं, जो शायद पूर्व के किराए से अब कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो उम्मीद है मेघा, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। वकील साहब, जैसा कि हम बात कर रहे थे संपत्ति वाद को लेकर भी तमाम तरह के सवाल हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर कोई किसी का रास्ता रोक लेता है उस स्थिति में उसके पास क्या अधिकार है और क्या कदम उठा सकता है? देखिए, यहाँ पे प्रशासनिक कार्रवाई होना अति आवश्यक है। कोई किसी का आम रास्ता, कोई जल मार्ग या कोई जाने आने का रास्ता या पानी के जाने आने का रास्ता या कोई भी ऐसा सार्वजनिक उपक्रम जिससे सभी लोगों को लाभ होता हो, तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी एक व्यक्ति इनक्रोचमेंट नहीं कर सकता है, अतिक्रमण नहीं कर सकता है। ऐसा अतिक्रमण यदि होता है, सामान्य तौर पर इस तरह के बहुत सारे विवाद गांव में या शहरों में भी देखने को मिलते हैं कि किसी के घर के बगल में रास्ता आम रास्ता होता है और वो रास्ता जाके आगे कहीं बंद हो जाता है, तो धीरे धीरे लोग उस जगह को कवर कर लेते हैं, अपने यूज़ में ले आते हैं, पर्सनल यूज़ में ले आते हैं, सार्वजनिक लोगों को आने जाने से रोकते हैं। कहीं पर इस तरह के नाली और नाले के विवाद भी आते हैं जिसमें पानी सार्वजनिक रूप से जा रहा और किसी ने अपना कोई भी निर्माण कराया तो उसको अतिक्रमित कर दिया। ऐसी परिस्थिति में जो CRPC में प्रोविजंस हैं सेक्शन 133 में, उसके अकॉर्डिंग कोई भी इस तरह का इनक्रोचमेंट, कोई भी इस तरह का इंटरफियरेंस, कोई भी इस तरह का न्यूसेंस यदि होता है तो डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में DM, SDM या SDM के बिहाफ पर और कोई ACM या सिटी मजिस्ट्रेट, जिनको भी उस क्षेत्र के थाने संबंधित क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं या सेक्शन 133
सीआरपीसी के अंतर्गत प्रोसीडिंग करने के अधिकार प्राप्त हैं, वो ऐसे इनक्रोचमेंट को, ऐसे इलीगल पोजीशन को, ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन को रिमूव करने का आदेश दे सकते हैं, और वहाँ पे जो सार्वजनिक गतिविधियाँ या सार्वजनिक आने जाने का रास्ता है या सार्वजनिक रूप से जो इस्तेमाल की जाने वाली नाली नाला कुछ भी ऐसा है जिस पर कोई अतिक्रमण करता है, उसको क्लियर करने का ऑर्डर दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एडमिनिस्ट्रेशन का ये राइट है कि वो रिपोर्ट मंगाते हुए संबंधित थाने से, उस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेते हुए जो भी इस तरह के प्रभावित पक्ष हैं या जिनके द्वारा प्रभावित किया जा रहा है उनको नोटिस जारी करते हुए उनसे एक स्पष्टीकरण या उनके जो फैक्ट्स हैं उनको कंसीडर करते हुए सेक्शन 133 सीआरपीसी में ऑर्डर जारी कर सकते हैं किस तरह के इंक्रोचमेंट को, इस तरह के इलीगल कंस्ट्रक्शन को, इस तरह के इंटरफेरेंस को या इस तरह के न्यूसेंस को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। ओके सब, एक सवाल बहुत लोगों का है कि हमने किसी को मकान किराए पे दिया और उनके मकान पे जो है वो कब्जा कर लिया गया। बहुत से ऐसे जो है मकान मालिक होंगे जो अपने मकान को किराए पे देना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर एक डर है, वो क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपने मकान को किराए पे दे सकते हैं ताकि के उनके मकान पे कोई कब्जा ना कर पाए। देखिए ये बहुत ही अच्छा और सामान्य प्रश्न है क्योंकि सामान्य तौर पर इस तरह की समस्याओं को देखा जाता है। जब भी अभी उत्तर प्रदेश में रेंट कंट्रोल एक्ट में कुछ चेंजमेंट्स हुए हैं जिसके प्रस्ताव पारित हुए हैं गवर्नमेंट द्वारा, उस पर अमेंडमेंट किया गया है, ऐसे ही हर स्टेट में रेंट कंट्रोल एक्ट के जो अलग अलग रूल्स हैं उन रूल्स और लॉज को फॉलो करते हुए कोई भी टेनेंसी जिस टेनेंसी में मकान मालिक और किराएदार के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यूज़ करने के संबंध में राइट देने का है। अब ऐसी परिस्थिति में यदि दोनों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर्ड किया जाता है तो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट होने पर किराएदारी का जो टर्म्स एंड कंडीशन उसमें मेंशन होंगी उन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने का राइट और लायबिलिटी बोथ पार्टीज की होगी, यानी मकान मालिक की भी होगी और किराएदार की भी होगी। उस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में हर क्लॉज को प्रॉपरली मेंशन करना चाहिए, यानी जो भी मकान मालिक हैं वो जब कोई एग्रीमेंट बनवाएं तो उसको बहुत ही सजगता से अपने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से सारे तथ्यों को बताते हुए बनवाएं, जिससे एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसका पूरा प्रभाव किराएदार के ऊपर भी रहे और उस पर दी गई शर्तों का प्रभाव मकान मालिक के ऊपर भी रहे। लेकिन एग्रीमेंट अगर वो रजिस्टर्ड है तब उसके प्रभाव को ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट उसका किया सकता है, यानी उस पर कोर्ट की प्रोसीडिंग को जल्दी जल्दी निस्तारित कराया सकता है। यहाँ पर सामान्य तौर पर देखा जाता है कि 11 माह तक के एग्रीमेंट को लोग नोटराइज करा लेते हैं, अर्थात 11 माह तक यदि मकान मालिक और किराएदार के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और किराएदार रहता है तो 11 माह के जो किराएदारी का अनुबंध है उस अनुबंध को नोटराइज करा लिया जाता है। लेकिन 11 माह से ऊपर की कोई भी किराएदारी को रजिस्टर्ड कराना ही चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। रजिस्टर्ड कराने से उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन उसका प्रभाव दोनों पर होता है, और इधर नए रेंट कंट्रोल एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं यूपी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो और भी स्ट्रिक्ट है, उसमें तो संबंधित थाने को सूचना देना, उसमें एक ट्रिब्यूनल का गठन करना और किराएदार और मकान मालिक के अधिकारों का उपयोग होते हुए उनमें किस तरह का कोई न्यूसेंस ना होना लेकिन समय पूरा होने के बाद तुरंत खाली होना, ये बहुत सारी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो नए एक्ट में इम्प्लीड हुई हैं। तो आपने समझा किराएदार और मकान मालिक के अधिकारों को के बारे में। फिलहाल वकील आपका में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। न्यूज़ खबरों का सारथी।
अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वकील आपका पे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवालात हमसे पूछ सकते हैं। इस बीच वकील साहब भी हमारे साथ हैं। सर, अगर एक संपत्ति पर दो या दो से अधिक लोग इसे कह सकते हैं वो विवाद करते हैं तो क्या कार्रवाई उन पर हो सकती है? देखिए, एक संपत्ति पर दो या दो से अधिक लोग यदि किसी तरह का विवाद करते हैं तो उसके लिए दो तरीके की कार्रवाई किया जाना संभाव्य है। पहली कार्रवाई, यदि उनके बीच में मालिकाना हक को लेकर के या किसी अन्य दीवानी प्रकृति के मामले को लेकर के विवाद है। दीवानी प्रकृति का अभिप्राय ये है कि जो सिविल नेचर के डिस्प्यूट्स हैं उन संबंध में अगर कोई उनका अपना विवाद है तो वो सिविल कोर्ट से निस्तारित होता है। लेकिन यदि किसी प्रॉपर्टी को लेकर के दो पक्षों के बीच में इस वाद का विवाद है कि वहाँ पर शांति भंग हो सकती है या कोई भी इस तरह का विवाद है जिससे न्यूसेंस क्रिएट हो सकता है सोशली, तो ऐसी स्थिति में जो प्रोविजंस है सीआरपीसी के 145, 146, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं। इसमें प्रशासन को मूल रूप से जो अवधारणा है उसके अनुसार यह देखना होता है कि जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को लेकर के दो पक्ष शांति भंग कर रहे हैं और उनके खिलाफ शांति भंग होने और संभावना की कार्रवाई धारा 107, 116 सीआरपीसी के अंतर्गत हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में जो 145 का प्रोसेस है उस पर प्रशासनिक मजिस्ट्रेट संबंधित थाने से एक रिपोर्ट मंगाएंगे क्वेश्चन प्रॉपर्टी के विवाद के संबंध में कि वहाँ पर किन किन के द्वारा संपत्ति को अपना आधिपत्य जताते हुए विवाद किया जा रहा है। उस रिपोर्ट के आने पर जो संबंधित मजिस्ट्रेट हैं वो सेक्शन 145 सब क्लास 1 में ऐसे पक्षकारों को नोटिस देंगे जो नोटिस को प्राप्त करने के बाद अपना स्पष्टीकरण प्रशासनिक ऑफिसर यानी प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष रखें, अर्थात वो अपने मालिकाना हक के प्रपत्र को प्रस्तुत करें, वो वहाँ पर कब्जे में कब और कैसे हैं और नहीं हैं इसका प्रमाण प्रस्तुत करें, वो वहाँ पर अपने जो भी साक्ष्य और साक्षी हैं उनको प्रस्तुत करें। तो जब दोनों पक्ष अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष इन फैक्ट को रखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट उन सारे फैक्ट का सेक्शन 145 सब क्लास 4 में ऑब्जर्वेशन करते हैं कि जब मैंने नोटिस जारी किया उस समय एक्चुअल फिजिकल पोजिशन में कौन था। बहुत जगह पर इसमें भावरी देवी का एक केस है और उस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भंवरलाल का केस, माफ करिए, भंवरलाल के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि धारा 145 और धारा 146 दोनों को बहुत ही गंभीरता से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को अवलोकित करना चाहिए और इन सेक्शंस को अवलोकित करते समय बहुत सारे मजिस्ट्रेट इस बात का सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी पर किसका पोजीशन है या था या इस प्रॉपर्टी पर किसका लीगल टाइटल या राइट है। यहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट होता है। तो जब डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो ऐसी परिस्थिति में जो 145 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग्स एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की जा रही होती हैं
उन प्रोसीडिंग्स में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट, उसको ये भी देखना होता है कि मेरे नोटिस के 2 महीने पूर्व या नोटिस देने की तिथि तक कौन वहाँ पर एक्चुअल पोजीशन में था। अब एक्चुअल पोजीशन में जो व्यक्ति है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट को ये भी राइट है कि इस बात का सुनिश्चित करते हुए जो एक्चुअल पोजीशन में हो उनको पोजीशन वो हैंड ओवर भी कर सकें। इसके प्रोविजंस को भी आगे हम डिस्कस करेंगे। एक दर्शक इस बीच आगे, हलीम खान मध्य प्रदेश से हमारे साथ है। हलीम खान अपना सवाल पूछे। ठीक है, तो शायद हलीम से संपर्क टूट गया, फिलहाल अपनी बात को मुकम्मल करें। जी, मैं जो किसी प्रॉपर्टी के संबंध में विवाद होने की दशा में होने वाली कार्रवाई के बारे में दर्शकों को बता रहा था। यहाँ पे यह अवलोकित करना एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट को आवश्यक है कि जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को लेकर के 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में विवाद है और वहाँ पर शांति भंग हो रही है या शांति भंग की संभावना है, तो ऐसी परिस्थिति में वो जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के जो भी एविडेंसेज हैं, यानी व्यक्ति या कई व्यक्ति हैं उनके जो भी एविडेंसेज हैं, उनको मंगाने के लिए नोटिस देने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर को है और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स आगे प्रोसीड होती है। ठीक, झांसी से राजकुमार इस बीच एक दर्शक है। राजकुमार जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर जी, मैं रायबरेली से बोल रहा हूँ। मेरा 2 विषय का प्लाट साकेत नगर में है, भूमधरी की जमीन है, उस पर नगर पालिका ने खड़िंजा बिछा दिया है। फिर मैं केस जीत गया डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से भी और लोअर डिविजन के यहाँ से भी मैं जीत गया, लेकिन नगर पालिका ने कोर्ट में तो जवाब दिया कि मैंने ना ही इनको अधिकृत किया जमीन को और ना ही किसी प्रकार का मुआवजा दिया, लेकिन और मैंने साख बना दिया। मैंने इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी किया, 4-4 एप्लीकेशन दिए। उस एप्लीकेशन के जवाब में न्यायालय ये लिखता है नगर पालिका कि मैंने इनकी जमीन पे कोई साख नहीं बनाई, और जबकि न्यायालय में लिखकर आया है, लिखित रूप में बयान दिया है कि मैंने सड़क इनकी जमीन पे बनाया है। तो क्या मैं इसके लिए इनके खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई करूं कि झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं? देखिए, आपका जो सिविल कोर्ट में आपके फेवर में ऑर्डर हुआ या डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के द्वारा जो आपके पक्ष में आदेश किया गया, उस केस में जो आपका रिलीफ था, उस रिलीफ में आपने ग्रीवांसेस थी उसमें रिलीफ प्राप्त कर लिया। अब ऐसी स्थिति में नगर निगम ने यदि कोई भी आपकी लैंड पर कंस्ट्रक्शन कर लिया है, तो बेसिकली जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग नगर निगम को जो भूमिधरी है, आपकी भूमिधरी है, तो आपको वहाँ का मुआवजा देना चाहिए। आवासी है तो आवासी में 2 गुने दर से आपको मुआवजा देना चाहिए। जो नए एक्विजिशन एक्ट के प्रोविजन्स है उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन नगर निगम अगर इस तरह की कंट्राडिक्टरी बात कह रही है, तो आपको इन दोनों तथ्यों को, इनकी सर्टिफाइड कॉपीज़ को लेकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट में नगर निगम जिले प्रशासन में यानी जिला अधिकारी को पक्षकार बनाते हुए रिट फाइल करनी चाहिए, और उस रिट में नगर निगम को इस बात का मेंडमस जारी कराना चाहिए कि जो नगर निगम न्यायालय के समक्ष कुछ और फैक्ट प्रस्तुत कर रही है, वही नगर निगम एडमिनिस्ट्रेशन में कोई और फैक्ट प्रस्तुत कर रही है। ऐसी स्थिति में जो प्रशासनिक वर्किंग है वो कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड है, उसमें क्वेश्चन मार्क है। तो जब क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट की अपनी त्रुटि है, और डिपार्टमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट फाइल होती है और वहाँ से कोई भी डायरेक्टिव्स आते हैं तो उसके कंप्लायंस डिपार्टमेंट को करना बाध्यकारी होता है। तो ऐसी स्थिति में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सारे ऑर्डर्स को लगाते हुए, अपने फैक्ट को मेंशन करते हुए, और नगर निगम द्वारा अलग अलग फोरम पर जो अलग अलग कथन किए गए उसको भी वर्णित करते हुए आप माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत करिए। साथ ही साथ आपने मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो अपनी ग्रीवांस को रजिस्टर्ड कराया है, उस ग्रीवांस में एक जांच होने के बाद औपचारिकता पूर्ण हो जाती है, लेकिन आपको कोई स्ट्रांग रिलीफ नहीं मिलता है। स्ट्रांग रिलीफ के लिए आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट करनी चाहिए और उस रिट के माध्यम से रिलीफ लेना चाहिए। ठीक, तो उम्मीद है आपके जो सवाल का जवाब आप तक पहुँच गया होगा। वकील साहब, इस बीच क्या एक जहानाबाद से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं, अपनी बात को रखें। संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्या कहना चाहते हैं आप? संजय, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? तो जल्दी से अपना सवाल पूछे, वक्त की थोड़ी सी कमी है। तो शायद संजय की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे जुड़ने के लिए।
और सर इस बीच क्या विवादित संपत्ति को सीज किया जा सकता है? जी, जो संपत्ति पर एक या एक से अधिक लोगों के बीच में किस तरह का कोई विवाद है और विवाद होने की दशा में, जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया, सीआरपीसी के प्रोविजंस को फॉलो किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, अर्थात 145 सीआरपीसी के प्रोविजंस को फॉलो किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब 145 में नोटिस देने के बाद दो या दो से अधिक पक्षों के बीच का विवाद जिन व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है, उन व्यक्तियों के टाइटल के डॉक्यूमेंट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट द्वारा अवलोकित किया जाता है, उन व्यक्तियों के पोजीशन, लीगल पोजीशन के बारे में भी रिपोर्ट मंगाई जाती है या उनके डॉक्यूमेंट से उस फैक्ट को कंसीडर किया जाता है, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट को फर्स्ट साइड में यह देखना आवश्यक है कि हमारी नोटिस जारी होने के समय किसको पोजीशन है। अगर इस बात का वो सुनिश्चित नहीं कर पाता है और इस बात का सुनिश्चित भी नहीं कर पाता है कि दो लोगों के बीच में जो दस्तावेज आए हैं उन दस्तावेजों से किसका मालिकाना हक की पुष्टि होती है, तो ऐसी परिस्थिति में 146 सीआरपीसी के जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को फॉलो करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट उस क्वेश्चन प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं। सीज करने के साथ वो किसी तीसरे व्यक्ति को उसको एज अ कस्टोडियन हैंडओवर भी कर सकते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट को यह महसूस होता है या न्यायालय में जो दस्तावेज आते हैं उसके माध्यम से ये प्रूफ होता है कि जिस समय उसने नोटिस जारी की उस समय फला व्यक्ति का पोजीशन था वहाँ पर, तो वो उस व्यक्ति की कस्टडी और पोजीशन में उस क्वेश्चन प्रॉपर्टी को दे भी सकता है। ये 146 के जो प्रोविजंस हैं उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट पालन करते हैं। यहाँ पर यह भी बताना आवश्यक है कि यदि 146 में प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए किसी प्रॉपर्टी को सीज किया गया है। एक दर्शक अलीगढ़ से मीना हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीना, जल्दी से अपने सवाल पूछें। मीना, जल्दी से अपना सवाल पूछें, वक्त की थोड़ी सी कमी है। हाँ सर, मतलब मेरे साथ में इतनी गंदी घटना हुई है सर, मतलब डॉक्टर ने जो करा है। और जल्दी से सवाल पूछे, वक्त की कमी है, टीवी की तरफ ध्यान न दें। सर, हाँ सर, मैंने थाने में भी एप्लीकेशन दी है और मैं सीएनसी में माली के काम पे काम कर रही थी, सीएनसी पे सर्रा। ठीक है, तो शायद ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा तमाम दर्शकों से, आप जब भी सवाल पूछें तो टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए ताकि के आपका जो सवाल है हम तक पहुँच पाए और आपका जवाब जो है वकील साहब दे पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कॉल करिए टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए। सर, आप सीज करने को लेकर हम लोग बात करें तो कोई संपत्ति अगर सीज होती है तो उसको रिलीज करने के लिए क्या करना होगा? जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया, 146 सीआरपीसी के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट द्वारा यदि किसी प्रॉपर्टी को सीज किया जाता है, सीज क्यों किया जाता है? सीज वहाँ पर किया जाता है वैधानिक अधिकारों के सुनिश्चयन के संबंध में, यानी कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति कहते हैं कि इस क्वेश्चन प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ, तो उस मालिक होने के वो दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। यदि उनमें से कोई कहता है कि मैं यहाँ पर पोजिशन में हूँ, उसको डिस्पोजेस ना किया जाए और उससे आपस में शांति भंग होती है या शांति भंग संभावित होती है, तो ऐसी परिस्थिति में 146 के जो प्रोविजंस हैं उसमें सीज प्रॉपर्टी पे टाइटल का सुनिश्चयन और पोजीशन का सुनिश्चयन करने के बाद मजिस्ट्रेट महोदय उस प्रॉपर्टी को किसी एक व्यक्ति को जिसके राइट एस्टेब्लिश्ड हैं, जिसको लीगल राइट मिला हुआ है, चाहे वो टाइटल का हो चाहे पोजीशन को, उसको वो वहाँ पर पोजीशन में दे करके सुपरवाइज करने का अधिकार भी दे सकते हैं। और वहाँ पर यदि प्रॉपर्टी में ऐसा लगता है प्रशासनिक मजिस्ट्रेट महोदय को कि प्रॉपर्टी को रिलीज करना चाहिए, यानी अब इसमें विवाद 145 का कोई नहीं रह गया है, तो प्रॉपर्टी को रिलीज भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में 145 और 146 के प्रोविजंस हैं वो शांति भंग होने वाली किसी भी संपत्ति के संबंध में न्याय निर्णय करने के लिए है। ठीक है, तो आप समझे संपत्ति विवाद के बारे में और खासकर वसीयत के बारे में तमाम चीजें जो वकील साहब ने जो है बताई। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में
फिलहाल इतना ही। वकील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, नमस्कार। हम फिर हाजिर होंगे रविवार को वकील आपका कार्यक्रम लेकर नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ। फिलहाल के दिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।